कैसे हो दोस्तों? अच्छे हो ना? तो चलिए आज हम लोग एक सेकेंड भी टाइम बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज का क्वेश्चन एक्चुअली अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड है और ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आपको मज़ा आएगा सोल्व करने में। तो चलिए क्वेश्चन क्या है वो जानते हैं। तो क्वेश्चन है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर सेवन है तो बताइए कि एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब कितना होगा। कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो और ट्राई कीजिए, और नहीं होता है तो फिर सॉल्यूशन देखिए, तभी आपका दिमाग पढ़ेगा। ठीक है, चलिए मैं सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। अब देखिए कैसे सोचना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकालना है, डिफिकल्ट लग रहा है राइट। लेकिन हमें इतना पता है कि अगर ये दिया हुआ है तो हम एक्स प्लस वन बाई एक्स निकाल सकते हैं, और अगर एक बार एक वन एक्स प्लस वन बाई एक्स निकाल लिए तो एक्स प्लस वन बाई एक्स के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? नहीं, चलिए देखते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, तो x प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स। तो x x तो कैंसिल हो गया, तो x प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर तो दिया हुआ है सेवन, तो सेवन प्लस टू हो गया डैट इज नाइन। तो x प्लस वन बाई एक्स कितना हो जाएगा, प्लस माइनस थ्री हो जाएगा। अब देखिए x प्लस वन बाई एक्स का दो वैल्यू मिला है, प्लस थ्री और माइनस थ्री, तो हम लोग दो केस लेना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखिए इससे रिलेटेड क्या फॉर्मूला हमें पता है, आपको ये पता होगा राइट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, पता है ना। तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब को क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वन बाई एक्स होल क्यूब माइनस थ्री इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, तो कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से डायरेक्टली, इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स ए प्लस बी के बराबर जगह पे आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक्स प्लस वन बाई एक्स तो हमें पता है दो वैल्यू है, तो दो केस ले लेंगे, यहाँ पे भी एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकल जाएगा ना। तो चलिए निकालते हैं केस वन। केस वन में हम लोग x प्लस वन बाई एक्स को थ्री लेते हैं, तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इक्वल्स टू थ्री क्यूब माइनस थ्री इंटू थ्री, क्या हो जाएगा, थ्री क्यूब कितना होता है 27 माइनस नाइन डैट इज 18। केस टू लेते हैं, केस टू में क्या है, x प्लस वन बाई एक्स को माइनस थ्री लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इक्वल्स टू थ्री क्यूब माइनस थ्री होल क्यूब माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री, क्या हो जाएगा, माइनस थ्री होल क्यूब कितना होता है माइनस 27, और माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री प्लस नाइन, तो क्या मिला हमें माइनस 18। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब कितना हो जाएगा 18 एंड माइनस 18, दोनों आंसर्स आपका करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया, आसान था ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जय हिंद।